वेलकम ऑल माय लवली स्टूडेंट्स पिले माने लास्ट वीडियो रे आमे फेस्टिवल सफर नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो ओस्ता टेस्ट पेपर रु 1 नंबर रु 49 नंबर पर्यंत क्वेश्चन बा एमसीक्यू डिस्कशन कर सारी छे पार्ट 1 रे आज ही होचे हर पार्ट 2 आमे एथिरे 50 क्वेश्चन नंबर 50 रु क्वेश्चन नंबर 100 पर्यंत डिस्कशन करबा। हां पिले माने जे माने मो चैनल रे नुवा मात्र ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करनाओ या गुट के सब्सक्राइब कर दियो वीडियो को लाइक कर दियो एवं तुम सांग सहित बहुमात्र सेयार कर दियो। तेबे आसो आज नुआ भिडियो स्टार्ट करिबा फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 50 ओस्ता टेस्ट पेपर। ड्यास इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ मणिपुर। मणिपुर रे प्ले मन रख दुईट फेस्टिवल से ऑब्जर्व करती गोटे हूँ निंगोल चोकोबा आ गोटे चेराओबा। तेज दुईट फेस्टिवल मध्य ड्यास फेस्टिवल इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ना न्यू ईयर फेस्टिवल इज चेराओबा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 द चार्मिंग और द भेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल ऑफ मणिपुर निंगोल चोकोबा बाइंस एंड रिवाइव्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैरिड गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स। ए निंगोल चोकोबा पर्व रिलेशनशिप क्या क्या मध्य रिलेशनशिप रिवाइव्स हुए बाइंस हुए ना मैरिड गर्ल एवं पितामाता अर्थात देयर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 52 व्हाई डू द विलेजर्स ऑफ मणिपुर क्लाइम द नियरेस्ट हिल टॉप्स ड्यूरिंग चेराओबा। चेराओबा पर्व से माने नियरेस्ट हिल टॉप को काहीं उठती ना तांकर विश्वास रही कौन रही ना जी जिते उच्च को जीव से प्रोग्रेस कर फॉर दे बिलीव दैट दिस विल हेल्प देम राइज ए हायर प्लेन प्लेन माने प्ले प्रोग्रेस उन्नति कर इन दिस लाइफ। तेणु ऑप्शन सी होउछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 ए टेस्टी फिस्ट एंड डैश आर गिवन टू द वोमेन एंड देयर चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ निंगोल चोकोबा इन मणिपुर। मणिपुर रो निंगोल चोकोबा पर्व मैरिड गर्ल एवं तांको पिला मान को फिस्ट दिया जाए आउ कौन दिया जाए ना गिफ्ट गिफ्ट माने पिले उपहार दिया जाए। तो मन रख टेस्टी फूड बा टेस्टी फिस्ट एंड गिफ्ट्स सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 फॉर दे बिलीव दैट दिस विल हेल्प देम राइज टू हायर प्लेन ए प्लेन तले अंडरलाइन करछि पचारछि ए अंडरलाइन वर्ड रो अर्थ कोन अर्थात एटे प्लेन रो अर्थ होछि प्ले प्रोग्रेस उन्नति। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 चापचरकूट इज ए डैश फेस्टिवल। चापचरकूट इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल सो ऑप्शन बी स्प्रिंग फेस्टिवल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 द स्प्रिंग फेस्टिवल चापचरकूट इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन डैश यह क्यों राज्य गोटे मुख्य पर्व पिले यह हूँ मिजोराम एक मुख्य पर्व। सो राइट आंसर इज मिजोराम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 मेन एंड वोमेन ऑफ ऑल एजेस ऑफ मिजोराम वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड हेड गियर्स परफॉर्म डैश डांसेस ना परफॉर्म फॉग डांसेस सो ऑप्शन सी फॉग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 ड्रम्स गॉन्ग्स एंड डैश ऐड टू द फेस्टिव एयर इन फेस्टिवल ऑफ मिजोराम ना ड्रम्स गॉन्ग्स एंड सिंबल सिंबल मीन्स झांज सो ऑप्शन सी सिंबल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 ड्रम्स गंग्स एंड सिम्बल्स आर टू द फेस्टिव एयर इन मिजोराम पिले एयर तले अंडरलाइन पचारि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड अर्थात एयर अर्थ होछि पिले एटमॉस्फेयर सो ऑप्शन डी एटमॉस्फेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 व्हाई इज द वांगला कॉल्ड द हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल काहीकि वांगलार अन्य नाम होछि हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल बिकज पिले समस्ते मिसिके हंड्रेड ड्रम एठारे बाड़ान्ति बुझेला ना नाही। सो बिकज हंड्रेड ड्रम्स आर बिटेन टुगेदर सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिकज हंड्रेड ड्रम्स आर बिटेन टुगेदर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 वांगला इन मेघालय इज ए डैश फेस्टिवल वांगला इन मेघालय इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 वांगला और द हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल इन मेघालय इज सेलिब्रेटेड बाय डैश इन द विलेज पिले गाँवर क्यों लोक मैंने पर्व को पालन करती पिले मन रख गारोस दि गारोस पिले गालो लिखिदेवनी कारण गालो हूँ अरुणाचल प्रदेश लोसार पर्व को लोक मैंने पालन करती तेणु मन रखी था आमर मेघालय रे जो वांगला बा हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल हुए से माने को माने पालन करें ना दि गारोज सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
Question number 63. Wangala is celebrated in Meghalaya in November. To mark, this Wangala ba 100 Om festival palan kara jay November re. Eha kon suchana diye? Na eha suchana diye the end of hard work. Kothina parishrama sari gala. So option C is the right answer. Question number 64. During the celebration of Wangala or the 100 Om festival, dance move forward and dance in the rhythmic manner. To the beating of the drums, so the right answer is the omen. So option D is the right answer. Question number 65. The harvest festival Wangala or the 100 drum festival in Meghalaya is observed. Pile ei parvati keu masore palan kara jae. Mone rakho this festival is observed in the month of November. So the right answer is November. Option D is the right answer. Question number 66. Karachi Puja is the चीफ फेस्टिवल इन डैश केऊं राज्यर कराची पूजा होचोटे मुख्य फेस्टिवल पले मने रख त्रिपुरा राज्य गोटिए पर्व होची कराची पूजा जाय को जोटे मुख्य फेस्टिवल सो द राइट आंसर इज त्रिपुरा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Question number 67. In Tripura, Karachi Puja is ordered for dash. Is Karachi Puja Tripura re kete din palan kara jae? Pile mone rakho it is a week long festival arthat 7 days. So the right answer is 7 days. Option D is the right answer. Agartala is the dash of Tripura. Pile mone rakho Tripura state ra Agartala housi capital. So Agartala is the capital of Tripura. Option A is the right answer. Question number 69. Dash idols are worshipped in the temple in Old Agartala in Tripura. Kete pratimurti ko ba thakuran ko ethare puja kara jae na 14 idols or 14 deities. So option so the right answer is 14. Option D is the right answer. Question number 70. Lord Shiva instructed 14 gods to be dash in Tripura, to be worshipped in Tripura. So option B is the right answer. Question number 71. Besides worship, 14 gods dash features the celebration of Karachi Puja in Tripura. The right answer is animal sacrifice. Option A is the right answer. Dash is celebrated in July in Tripura. Pile mone rakho Tripura re kebal gotie parva palan kara jae July masare. Sei parva ti hochi Karachi Puja. Option B is the right answer. Question number 73. Hunting and dash features in many dances in Tripura. Tripura re ये जो कराची पूजा रे हंटिंग हुए एवं आउ कौन हुए ना फूड गैदरिंग कंपटीशन हुए. सो ऑप्शन ए फूड गैदरिंग इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74. डैश फॉर्म द सोल ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल इन नागालैंड. नागालैंड रे जो डिफरेंट फेस्टिवल पालन करा जाए ता होची कहार सोल ना ता होची सॉन्ग्स एंड डांसेस इज वेरी इंपोर्टेंट. सो द राइट आंसर इज सॉन्ग्स एंड डांसेस. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Question number 75. The people of Nagaland are unique in their customs and traditions. So the right answer is customs and traditions. Option D is the right answer. Moistu is a prominent dash festival. Moistu kahara gotiye mukhya festival na Nagaland ra arthat Naga manankaro. So the option B is the right answer. Pile mone rakhiba ame Nagaland re duiti prominent festival se mane palan karanti gote hela Moistu a gote hela Hornbill. Question number 77. The Naga festival is celebrated mainly in the villages of Nagaland. केते बेले एही नागालैंड रे पर्व पालन करा जे पिले मने रखो आफ्टर द सोइंग सीजन बिहन बुणा सोइला पोरे. सो द नागा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली इन द विलेज ऑफ नागालैंड आफ्टर द सोइंग सीजन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 78. हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड इज एसोसिएटेड विथ द नेम ऑफ ए हॉर्नबिल फेस्टिवल टी कहा सहित संपर्कित वो ए ट्राइब ए डांस ना ए इवेंट ना ए बार्ड. पहले मन रखो हॉर्नबिल इज ए एडमायर्ड बार्ड. पहले हमें मन रखिबा दिस फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द स्टेट्स मोस्ट एडमायर्ड बार्ड एवं हॉर्नबिल हो चुके बार्ड से बार्ड अनुसार ए फेस्टिवल रो नाम हुई छ हॉर्नबिल. सो द राइट आंसर इज बार्ड. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 79 डैश इज नागालैंड मोस्ट एडमायर्ड बार्ड एवं कही पे मन रख हॉर्नबिल इज नागालैंड मोस्ट एडमायर्ड बार्ड सो राइट आंसर हॉर्नबिल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 डैश ट्राइब्स परफॉर्म कल्चरल हेरिटेज इन नागालैंड केतोटी जातिर बा जनजातिर लोक मैंने पर्व को पालन करती पे मन रख 16 ट्राइब सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 81 हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन डैश इन नागालैंड यही हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रतिवर्ष क्यों मासरे पालन करा जाए पिले मने रख दिस इज ऑब्जर्व्ड इन डिसेंबर एवरी ईयर सो द राइट आंसर इज डिसेंबर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 82 द मैन इन नागालैंड ड्यूरिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल व्हाइल परफॉर्मिंग इट वेयर द वॉरियर कॉस्ट्यूम्स सो द ऑप्शन सी वॉरियर कॉस्ट्यूम्स इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ हॉर्नबिल फेस्टिवल मेन इन द 10 डे कल्चरल डांस डिस्प्ले दे आर वारिंग एंड डैश स्किल यही हॉर्नबिल फेस्टिवल रे सेमानकर दक्षता प्रदर्शन करती गोटे वारिंग स्किल आउ कौन ना हंटिंग स्किल सो द राइट आंसर इज हंटिंग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 84 हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑब्जर्व फॉर डैश डे बोले मन रखा हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑब्जर्व 10 डे 10 दिन पर्यंत ये पर्व पालन कराए ऑप्शन बी 10 डे इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 हॉर्नबिल इज वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग क्वेश्चन नंबर 85 हॉर्नबिल इज वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग एंड डैश फेस्टिवल्स ऑफ नागालैंड ना चार्मिंग एंड कलरफुल फेस्टिवल सो ऑप्शन डी कलरफुल इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 86 अकॉर्डिंग टू डैश द सिक्किम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड क्यों अनुसार सिक्किम रो फेस्टिवल गुड़िक सेलिब्रेटेड हुए ना अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट कैलेंडर सो द राइट आंसर इज बुद्धिस्ट कैलेंडर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑन द फुल मून डे द तिबेतियन लूनर मंथ द सिक्किम फेस्टिवल डैश इज ऑब्जर्व तिबेतियन माने लूनर मंथ रे क्यों पर्व पालन करती ना द राइट आंसर इज सागादवा सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 88 पीपुल रिकॉल द बर्थ एनलाइटमेंट एंड द डेथ ऑफ डैश ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ सागादवा इन सिक्किम लोक मैंने मन पकाती जन्मदिन को एनलाइटमेंट को एवं मृत्यु को क्यों डेथ ऑफ ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ सागादवा सिक्किम क्वेश्चन नंबर 88 पीपुल रिकॉल द बर्थ एनलाइटमेंट and the death of dash during the celebration of sagadwa celebration of sagadwa re se keu mahaprabhu ko mone pokanti thakar bath enlightenment or death anusare kahan kara na lord buddha so option c lord buddha is the right answer question number 89 offering prayers water butter lamps and a dash मार्क्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ सागादवा इन सिक्किम सागादवा पर्व रे सिक्किम माने कौन करती ना ऑफरिंग प्रेयर प्रार्थना करती पानी दियंती एवं दीप प्रज्वलन करती आउ कौन करती ना इनसेंस स्टिक्स अर्थात सुगंधित धूपकाठी को जाळंती सो ऑप्शन ए इनसेंस स्टिक इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 90 द फेस्टिवल डैश इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन हार्वेस्ट सीजन रो एंड रे बा शेष रे से माने क्यों पर्व पालन करती ना द राइट आंसर इज लुसुंग एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन दे ऑब्जर्वड लुसुंग सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 91 ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ लुसुंग डैश डांस इज परफॉर्म्ड इन सिक्किम ए लुसुंग पर्व ए लुसुंग पर्व पालन बेले से क्यों डांस परफॉर्म करती ना चाम डांस सो द राइट आंसर इज चाम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 92 डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन इन द फेस्टिवल लुसुंग इन सिक्किम लुसुंग पर्व से माने कौन परफॉर्म करती ना आर्चरी कंटेस्ट दैट इज शूटिंग आरोज सो ऑप्शन ए शूटिंग आरोज इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 93 द सिक्किम फेस्टिवल डैश मार्क्स द तिबेतियन न्यू ईयर तिबेतियन न्यू ईयर आरंभ हुए सिक्किम रो केउ पर्व रे ना द राइट आंसर इज तिबेतियन न्यू ईयर पालन हुए लोसार सो द राइट आंसर इज लोसार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर
क्वेश्चन नंबर 94 द सिक्किम फेस्टिवल लोसार इज हेल्ड इन डैश ए लोसार पर्व केबे पालन करा जाए ना इट इज ऑब्जर्व्ड इन मंथ ऑफ फेब्रुआरी सो द राइट आंसर इज फेब्रुआरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 95 द सिक्किम फेस्टिवल तिहार इज सम व्हाट लाइक डैश ए तिहार पर्वटी केउं पर्व सह समान ना इट इज सेम लाइक दिवाली सो ऑप्शन डी दिवाली इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 96 इन द सिक्किम तिहार इज ऑब्जर्व एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट सो द ऑप्शन सी लाइट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 97 द सिक्किम फेस्टिवल डैश रिमाइंड्स अस दैट ऑफ द हिंदू फेस्टिवल दिवाली हिंदू फेस्टिवल दिवाली भली केउं फेस्टिवल टी होछ सिक्किम रे पालन करा जाए न द तिहार सो द राइट आंसर इज तिहार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 98 मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव ए डैश इंपोर्टेंस उत्तर पूर्व क्वेश्चन नंबर 98 मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव ए डैश इंपोर्टेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो अंचल रो लोक माने फेस्टिवल रे कौन इंपोर्टेंट दियंती ना रिलीजियस को इंपोर्टेंट दियंती सो ऑप्शन रिलीजियस सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 99 सेलिब्रेशंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ब्रिंग आउट डैश ऑफ द पीपल ना ब्रिंग आउट नेचुरल टैलेंट्स ऑफ द पीपल सो ऑप्शन ए नेचुरल टैलेंट्स इज द राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100 द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल एनकरेज आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल सो द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल एनकरेज आर्टिस्टिक एंड डैश एक्टिविटीज ऑफ द पीपल ना आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल सो द ऑप्शन सी कल्चरल इज द राइट आंसर समस्त को धन्यवाद